बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं देसी टॉकीज़ व्लॉग। आज हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी, बहुत ही यमी यमी सी। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने लिया है 2 अदद कटी हुई प्याज, 4 अदद टमाटर, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, तली हुई प्याज, तेल हसब ज़रूरत, बिरयानी मसाला आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, अदरक लहसुन और बोनलेस चिकन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पैन या पतीला अपना जो भी है उसका चूल्हा ऑन करना है, थोड़ा नॉर्मल आंच पर। आपका पैन या पतीला जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो गर्म होने लग जाए तो उसमें आपने थोड़ा सा ऐड करना है ऑयल, जितना आप क्वांटिटी बना रहे हैं। मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऐड किए होंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा ऐड कर दूँगी इसमें, क्योंकि एक साथ डालना ज़्यादा बेहतर नहीं होता। आप थोड़ा थोड़ा यूज़ करें ऑयल, क्योंकि कभी कभी चीज़ों में ज़्यादा ऑयल हो जाता है तो आपकी चीज़ बर्बाद हो सकती है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने अब ऑयल डाल दिया है और ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। बिरयानी बिगनर्स भी ईजीली बना सकते हैं, इसमें कोई ख़ास इतनी मेहनत नहीं है और बनती भी बहुत ही यमी है, बहुत ज़्यादा यमी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा ऑयल हो गया है गर्म और मैंने इसमें प्याज ऐड कर लिया है। मैंने इसमें 2 प्याज ली हैं, आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। और हमें, अगर आपके पास ब्राउन प्याज रेडीमेड अवेलेबल नहीं है तो आप इसी में से थोड़ी सी प्याज निकाल लें हाफ कुक, और बाद में उसको ऑयल में फ्राई करके उसको आप ऊपर डाल सकते हैं गार्निशिंग में। तो ये देखें, हमारी प्याज अच्छे से पक जाए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि प्याज जो है वो पिंक पिंक होने लग गए। मैंने थोड़ी वीडियो शॉर्ट की है, क्योंकि अगर बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। और ये देखें, हमने इसमें ऐड कर दिया है बोनलेस चिकन। चिकन मैंने अच्छे से वॉश करके रखा था, आप बोन वाला भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास इस वक्त यही अवेलेबल था तो मैंने सोचा बोनलेस की ही बिरयानी ट्राई की जाए। और ये देखें कि हम इसे अच्छे से भून रहे हैं ताकि इसका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाए। चिकन फ़ौरन ही पक जाती है और इसका जो कलर है वो भी बहुत तेज़ी से चेंज होना स्टार्ट हो जाता है गर्म होते ही, आहिस्ता आहिस्ता। और ये हम 1-2 बोटी और बची हुई थी, ये हमने ऐड कर दिया, शायद मैं भूल गई थी पीछे। और ये देखें, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच हम इसमें ऐड कर रहे हैं। मेरे पास जो अदरक लहसुन वो थोड़ा सा तेज़ है तो इसलिए मैंने थोड़ा कम ही डाला है। अगर आपके पास थोड़ा, कुछ लोगों के पास रेडीमेड होता है, कुछ लोगों के पास ज़रा पतला सा लोग बनाते हैं तो आप वो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, हद से ज़रूरत। खाने पकाने में या कुकिंग में कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि ये चीज़ इतनी हो या वो चीज़ इतनी हो, जैसा आपका टेस्ट हो और जैसी आपको पसंद हो खाने में आप बिल्कुल उस तरीके से बना सकते हैं। मेरे चैनल पे आप व्लॉगिंग भी देखेंगे और रेगुलर देसी लाइव रूटीन भी देखेंगे, रेगुलर व्लॉग जो होते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आएगी और आप मुझे प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी नई आने वाली मेरी वीडियो हो वो आप तक पहुंच जाए और आप मेरे चैनल पे वीडियोस देखकर एंजॉय कर सकें। और ये देखें, हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर काफ़ी ज़्यादा बड़े थे तो मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं क्वांटिटी में लिए। और ये देखें, ये हम मिक्स कर रहे हैं इसमें बिरयानी मसाला। मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट एंड फॉरवर्ड किया है, इस वजह से आपको बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ लग रहा होगा। ये डाल दी हमने हरी मिर्चें। हरी मिर्चें अपने खाने में यूज़ किया करें, ये इतनी तेज़ भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं टेस्ट में। और अगर किसी को ज़्यादा तेज़ नहीं खाते वो हरी मिर्ची ये डाल लें और वो भी उससे खा सकते हैं। आपको पता है हरी मिर्ची मैदे के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लाल मिर्ची हमारा मैदा ख़राब करती है, डॉक्टर्स भी मना करते हैं हमें खाने से। और ये देखें, ये 10 मिनट के बाद हमारे क्या सिचुएशन है टमाटरों की, टमाटर पक रहे हैं, चिकन भी पक रहा है। जब भी आप खाना बनाएं इस तरीके से कोशिश करें, आपके टमाटर अगर आपको लग रहा है थोड़े मोटे कटे हुए हैं तो टेंशन की बात नहीं है, आप इस तरीके से इसको स्पून से तोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़े नरम होने के बाद, जब ये नरम हो जाएंगे और फिर हम दोबारा से ढक देंगे। मैंने आपको सुकून से बताया है, मैं चाहती तो बिल्कुल शॉर्ट कर देती वीडियो। ये देखें, हम ये थोड़ा सा पानी इसमें हमारे गोश्त में ऐड करेंगे, क्योंकि वो इस वजह से ताकि टमाटर लगे ना नीचे, अगर टमाटर लगेंगे तो आपकी यखनी का कलर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और ये देखिए, अभी अच्छा खासा इसमें पानी है और मैं हर थोड़ी देर को टमाटरों को चला रही हूँ ताकि नीचे लगे ना और ये हम इसको इजीली ना मैश भी कर सकें।
अब हम अपनी यखनी में मिलाएंगे हस्ब ज़रूरत नमक, जितना आपको कम ज़्यादा चाहिए। मुझे इस मैंने अभी तक इसमें ऐड नहीं किया था नमक, तो इस वजह से मैं ऐड कर रही हूँ। वैसे अगर आप लोगों रेसिपी में कभी कभी कोई चीज़ ऐसा लगे कि मैं बाद में डाल रही हूँ और पहले आपको नज़र ना आ रही हो, तो माजरत, क्योंकि मैंने अभी नया चैनल स्टार्ट किया है, सो मिस्टेक्स हो जाती हैं, बंदा गलतियों से ही सीखता है। और ये देखें, ये है जी हमारी यखनी का ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है, और मैंने ऑफ कैमरा थोड़ा सा ऑयल डाला था क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ना ऑयल नज़र नहीं आ रहा था यखनी में, तो इस वजह से दो चार बार मुझसे क्या हुआ था कि इतना ज़्यादा ऑयल हो गया था सालन में, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से मैं थोड़ा ब्रेड ऐड कर ही डाल रही हूँ ऑयल। और ये देखें, और मसला नहीं है, वो ऑयल जो निकलता है उसको आप छान के दोबारा किसी सालन में यूज़ कर सकती हैं, कोई से टेंशन नहीं है। और ये देखें, ये हमारा पानी हमने साइड पर रख दिया है क्योंकि हमारी यखनी ऑलमोस्ट डन है। देखा आपने कितनी झटपट से हमारी रेसिपी बन रही है। और ये मैंने पुदीना, गर्म मसाला, हरी मिर्चें, एक दो और हस्बे ज़रूरत नमक, जो जैसा आप खाना चाहेंगे, मैंने ऐड कर दिया है ताकि ये पानी हमारा ज़्यादा होता है चावल का, उसको कोशिश करें पहले ही चढ़ा दें। और बासमती चावल जो होते हैं, बासमती राइस, उसको अच्छे से भिगा दीजिएगा। मैंने हाफ़ एन आवर से ज़्यादा इसको भिगा दिया था ताकि ये अच्छे से इनका साइज़ बड़ा हो जाए और ये पतले पतले से बने। और ये देखें कि हमारी यखनी ऑलमोस्ट डन है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ऑयल अच्छी तरीके से ऊपर आ गया और अब माशाल्लाह से इसका पानी भी सूख चुका है टमाटरों का। और उसके बाद मैं चेक कर रही हूँ कहीं से दाग वगैरह तो नहीं लगा, तो दाग अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से नहीं लगा। और आप इसकी शक्ल देख रहे हैं कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत ही अच्छी रेड रेड सी लग रही है। और ये देखें, अब असल में क्या हुआ, मेरी वीडियो थोड़ी सी कट हो गई थी, तो दही मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ 2 चम्मच। और ये देखें, हमने बस एंड में ही दही डालना है तेल ऊपर आने के बाद, और इसी में हमने धनिया पुदीना डालना है। अगर आपका दही थोड़ा पतला है तो आप थोड़ा सा पहले भी डाल सकते हैं, मेरे पास जो दही है वो बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा है, तो मैंने इसलिए एंड में डाल दिया क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं छोड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि धनिया पुदीना हमने अच्छे से अपनी यखनी में ऐड कर दिया है, और अब हम इसको पकाएंगे 10-5 मिनट ताकि हमारी जो यखनी है वो और अच्छे से अपना ऑयल छोड़ दे और दही और धनिया पुदीना का एक टेस्ट जो है वो हमारी यखनी में बहुत अच्छे से आ जाए, बहुत ही यमी बनेगी। इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी बिरयानी की रेसिपी। इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पर आपके लिए आके लेकर आती रहूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे चावल का पानी इतना काला कैसे हो गया, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है वो मैं आपको किसी दिन फुर्सत में सुनाऊंगी कि क्या सीन हो गया था, पानी ओवर कुक हो गया था, चिके कुछ चीज़ें मुझसे ना गलती हो गई थी, मैं दही लेके नहीं आई थी, तो बस मैंने अपने हस्बैंड को भेजा और वो बस ग्रॉसरी में वो और भी चीज़ें ले आया, और इतनी देर हो गई कि पानी जो है वो काला ही हो गया ये स्टोरी थी छोटी सी। और बाकी ये देखें, हमारे चावल ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा चावलों को हमेशा आप 80-60% पकाया करें, जो स्पेशली बिगनर्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा ही रखा करें। और ये देखें, ये हमारे चावल हम अपने धारेंगे जल्दी जल्दी से बिस्मिल्लाह करके बहुत अच्छे से, और माशाल्लाह चावल आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा बड़े बड़े और खिले खिले चावल हैं। अगर आप लोगों को चावल अच्छे लग रहे हैं और आपको जानना है कि मैं कौन से चावल यूज़ कर सकती हूँ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी वीडियो में किसी, या नाम भी बता दूँगी कि मैं कौन से चावल इस्तेमाल कर रही हूँ आजकल, ताकि आपको पता चले कि यार वाकई टेस्ट में भी ये चावल बहुत अच्छा है। और ये देखें, ये जी हमने रेडी कर लिया है यखनी की तैयारी, और अब हमारी बिरयानी दम लगाने पर आ गई है। हल्का सा मैं ऑयल हमेशा पतीले के नीचे लगाती हूँ, उससे जो नीचे के चावल है वो जलते नहीं हैं, और जल अगर हल्के से लगते भी है तो उसमें स्मेल नहीं आती। अक्सर आपने नोट किया होगा लोगों के घर में बिरयानी बनती है और उनमें स्मेल आ जाती है हल्की सी दाग लगने की वजह से, तो इस तरह कीजिए, इंशाल्लाह दाग नहीं लगेगा, और हमेशा लो फ्लेम पर ही दम दिया करें बिरयानी। और अगर आपको जल्दी है तो 2-4 मिनट तेज़ चूल्हा करके उसके बाद आप लो पे कर दें, ताकि जल्दी ही आपकी बिरयानी दम हो जाए। और ये देखें, ये धनिया पुदीना मैं बहुत देख देख कर डाल रही हूँ क्योंकि मैं यखनी में ऑलरेडी अच्छा खासा धनिया पुदीना डाल चुकी हूँ, और मेरे जो हस्बैंड हैं उनको इतना ज़्यादा धनिया पुदीना पसंद नहीं है, और खैर मुझे भी और ये देखें, ये दे हमारी तय पे तय बिछी रही है बड़ी मज़ेदार सी, और इस टाइम मेरे हस्बैंड के मुँह में इतना कोई ख़तरनाक पानी आ रहा था ना,
जिससे कोई हद नहीं, वो कह रहे थे कब बनेगी कब बनेगी। तो बस ये देखें यखनी हमारी डल रही है ज़बरदस्त ज़बरदस्त सी। और आप देख रहे हैं ना यखनी बहुत ज़्यादा पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, नॉर्मल इसकी क्वांटिटी है और नॉर्मल इसकी थिकनेस भी नॉर्मल है। और ये हम अब डालेंगे और ज़्यादा यखनी का मसाला, क्योंकि हमारी यखनी एंड हो चुकी है यहाँ पर। और हम थोड़े से राइस बचे हुए वो इसके ऊपर डाल देंगे ताकि हमारा जो बिरयानी का रंग और है वो उसके ऊपर आ जाए ज़बरदस्त। अगर हम यखनी पर डालेंगे ना तो यखनी सारी पीली पीली सी हो जाएगी। और ये देखें ये हमारे चावलों की आखिरी तह आ चुकी है। कोई चावल मत छोड़िएगा भाई, एक एक चावल उठा के इसमें डालिएगा ताकि आपका अनाज या रिस जो है वो ज़ाया ना हो। और ये देखें ये हमारी हो गई है बिरयानी की ज़बरदस्त सी गार्निशिंग। और ये अब हम इस पे डाल रहे हैं धनिया पुदीना जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था, और मैंने इधर डाला है अनियन जो ऑलरेडी बाजारी अनियन होती है वो ज़रा अच्छी लगती है बिरयानी के ऊपर। और अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो हम मत डालिए, इसमें कोई ऐसा टेंशन नहीं है, मुझे पसंद है, मैं खाना भी पसंद करती हूँ और खिलाना भी, तो इस वजह से मैं इसको हमेशा ही कोशिश करती हूँ डालूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम डालेंगे वो है रंग, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है बिरयानी में। पहले मैं बहुत ज़्यादा कलर डालती थी, अब मैंने थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए भी कम है। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना कलर डाल रही हूँ उसमें। ये 1 किलो से कम बिरयानी होगी। ये देखें ये लग चुका है हमारा दम बिरयानी पे बेहतरीन सा। और हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये देखिए जी ये हो गया ही है दम हमारी बिरयानी। बिस्मिल्लाह और माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बहुत ही यमी लग रही है देखने से ही। और ये देखिए जी हमारे राइस कैसे खिले खिले बने हैं, आप लोग देख रहे हैं कि चिपके हुए नहीं यखनी के साथ। हालांकि बिरयानी जो है वो मसाले वाली बिरयानी है और कोई तेज़ नहीं थी, नॉर्मल इसका टेक्स्ट वो था, टेस्ट नॉर्मल जैसे कि स्पाइसी नहीं थी। और ये देखें ये हमारी बिरयानी बन के रेडी हो गई है। मैंने साथ में बनाया था सलाद, और ये इसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, रायता। और ये दूध का शरबत मैंने बनाया था घर में, अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो वो भी शेयर करूँगी। ओके अल्लाह हाफिज़।